दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा सदमा। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने लगाया भारत पर आरोप, इसको लेकर भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। और साथ ही 20 अप्रैल से किन किन चीजों पर मिली बड़ी छूट, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आखिरकार इन दिनों जो महामारी फैली हुई है इसको लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आई, जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया, लंबे समय से वो थे बीमार। जी हां दोस्तों, काफी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। जब बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता को लीवर और किडनी की समस्या थी। रविवार को उनके शरीर के कई अंग ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं दिल्ली एम्स के रिपोर्ट के मुताबिक सुबह में तकरीबन 10:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पिताजी का देहांत हो गया। और बात कर ली जाए दोस्तों इस बात की, जो जानकारी है मुख्य सचिव यानी कि गृह अवनीश अवस्थी ने ये बात की जानकारी दी, जो कि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है। वही दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर। जी हाँ बता दें कि नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पाकिस्तान के PM जी हाँ इमरान खान को लेकर। बता दें कि अपने देश में इस बीमारी से निपटने की वजह इमरान खान बेफिजुल की बयानबाजी करते हैं और भारत ने इसको लेकर करारा जवाब भी दिया है। जी हाँ बता दें कि इन दिनों इमरान खान जो है अपने ट्विटर हैंडल पर एक्टिव रहते हैं और बेफिजुल की बातें भारत के बारे में कहते रहते हैं। यहाँ दरअसल इमरान खान ने ट्वीट करके भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि इस महामारी संकट के आड़ में जानबूझकर मुसलमान समुदाय को निशाना बना रही है, जिसका पलट जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा कि अपने पड़ोसियों पर आधारहीन आरोप लगाने की वजह अपने यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय की सूद लें, जहाँ पर वास्तव में भेदभाव हो रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, इमरान खान यानी कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको लेकर इमरान खान सोचें, अपने पड़ोसी पर बेवजह के आधारहीन आरोप ना लगाएं। तो दोस्तों इस बात का पलट जवाब दे दिया गया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से। वैसे दोस्तों ये बात काफ़ी तकलीफ देह है, क्योंकि जहाँ पर बाकी मुल्क जो है सब अपने अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, वहीं पाकिस्तान जो है, यहाँ पाकिस्तान में जो वहाँ के वजीर आज़म हैं वो अपने मुल्क का देखभाल करने के बजाय दूसरे मुल्कों की ताका झाँकी कर रहे हैं कि आखिरकार दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, और बेवजह के बेफजूल के आरोप लगा रहे हैं भारत पर। वैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आने से रहा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। जी हां बता दें कि लॉकडाउन में गैर जरूरी सामान नहीं बेच सकेंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां, MHA ने पलटा फैसला। जी हां दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यह बता दें कि फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी, किराना और राशन की दुकानें, डायरी और मिल्क बूथ, पोएट्री मीट और बात कर लिया मछली चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स, कारपेंटर, कुरियर, DTH एंड केबल सर्विसेस, ये सारी चीज़ों की दुकानें खुलेंगी। और साथ ही केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, IT और इससे जुड़े सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो दोस्तों ये काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। जहाँ दोस्तों बता दें कि अमेरिका इस बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक खास टीम भेजना चाहती है चीन। जी हाँ दोस्तों ये काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से, जी हाँ बता दें कि एक खास टीम भेजी जाए जो कि इस बीमारी के बारे में पता लगाए कि आखिरकार वुहान शहर में ये बीमारी किस तरह से फैली या किस तरह से ये पनपी। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस बीमारी से तकरीबन पूरे विश्व भर में 1,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और वहीं बात कर ली जाए तो अमेरिका में 41,000 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं इस बीमारी की वजह से। और इसलिए रविवार को व्हाइट हाउस की एक संवाददाता ने सम्मेलन में इस बीमारी को प्लेग बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वह चीन से खुश नहीं है, और इसलिए इस बीमारी की जांच के लिए, जी हाँ इस जांच के लिए खास तौर की टीम भेजना चाहते हैं जो कि वहां पर जाके पता लगाए। वैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बात कह दी है कि अगर चीन इसमें कहीं भी दोषी पाया जाता है तो इसका परिणाम भुगतने के लिए, नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ दोस्तों बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा US में ही लोगों की मौत हुई है, यानी कि 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और बात कर ली जाए तो जर्मनी जो है बहुत ही तेज़ी से रिकवरी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों बात कर ली जाए, जर्मनी की जो लिस्ट आई है उसमें जो जर्मनी है काफ़ी जल्दी रिकवरी कर रहा है, और वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से लोगों की रिकवरी भी हो रही है। वैसे अभी तक दोस्तों जर्मनी में तकरीबन 4,642 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दोस्तों जर्मनी जो है सो रिकवर भी कर रहा है। वैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत में अभी तक तकरीबन 543 लोगों की मौत हो चुकी है और 17,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं इस बीमारी से। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस बारे में, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए।